अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर इकाई द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत शनिवार को दीवानी कचहरी परिसर में स्थित न्यू बिल्डिंग सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश गोविंद बल्लभ शर्मा का अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नाथ शुक्ला ने पुष्प देकर स्वागत किया। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित गोष्ठी में हिंदी भाषा को लेकर चर्चा किया गया। इस मौके पर अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर इकाई के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में अधिवक्तागण मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अधिवक्ता परिषद उत्तर प्रदेश गोरखपुर इकाई अध्यक्ष महेंद्र नाथ शुक्ल ने कहा, जैसे ही संज्ञान आया इसमें समय से नहीं हो पाया, लेकिन आप संज्ञान भाषा का हो या हम जबरदस्ती किसी भाषा को बोलते या अन्य भाषा वाले अपने ज्ञानी चाहिए कि भविष्य का विमान अशोक नारायण करते हैं या परिषद के सम्मानित अध्यक्ष समारोह के मुख्य अतिथि नए परिवार के मुखिया और एक बार फिर न्यायाधीश माननीय श्री गोविंद शर्मा जी और विभिन्न क्षेत्रों से आए जो लोग हैं सबके साथ आज हम सब यहाँ मिल बैठ के एक बहुत दिनों से कुछ राजनीतिक कारणों से विवाद होते हैं। पहला विवाद हिंदी के विरोध का, जब मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में हिंदी लागू किया था श्री राजगोपालाचार्य जी की हमारी नीति थी, ये हुआ कि कुछ समय लगेगा कि लोग हिंदी जो है वो सीख लें, हिंदी समझ लें और तब ये न्याय सब जगह काम काज की भाषा है। धीरे तो सम्मान नहीं मिल पाया उसके पीछे से हम आ गए। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, लेकिन संविधान निर्माण के समय वो राष्ट्रभाषा की राष्ट्रभाषा बनी। और ये संगोष्ठी अधिवक्ता परिषद गोरखपुर इकाई की तरफ से हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित है और हिंदी का विकास कैसे हो, किस स्तर पर पहुँचे, राष्ट्रभाषा बने, इसके लिए सतत प्रयत्न रहता है। उसी के लिए आयोजन किया गया है क्योंकि हिंदी बहुत जगहों में बोली जा रही है, लिखी जा रही है, न्यायालयों की भाषा हिंदी हो गई है, लेकिन अभी उस स्तर पर हिंदी नहीं पहुँच पाई है जहाँ पर इसका स्वर्णिम स्थान है। जैसे उच्च न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालयों में अभी भी हिंदी में कोई जजमेंट नहीं है, ना तो कोई हिंदी में पिटीशन पढ़ते हैं। तो हम लोग इसी उत्तरोत्तर इसको हिंदी को और भी स्वर्णिम स्तर पर पहुंचाने के लिए जागृत कर रहे हैं लोगों को और अधिवक्ता परिषद उसमें सतत प्रयत्नशील है। बस धन्यवाद।